हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष में सबसे ल्यूक्रेटिव और सबसे अट्रैक्टिव चर्चा कौन सी है आप जानते हैं? मैं बताता हूं, ज्योतिष और रोग, रोग और ज्योतिष, डिजीज एंड एस्ट्रोलॉजी, ये सबसे अट्रैक्टिव चर्चा है ज्योतिष के माध्यम से जो होती है। और मैं आज आपको आई ओपनर स्टेटमेंट दूंगा यहाँ पर, दो चार लाइन का, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ज्यादातर रोग और ज्योतिष पे, डिजीज एंड एस्ट्रोलॉजी पे आ रही पोस्टों पे आप देखिएगा 36,000 बातें लिखी हुई हैं, लेकिन एक्चुअली रोग का जो कारक होता है और रोग जिस लिए व्यक्ति को होता है उसकी चर्चा उन पोस्टों में नदारद होती है, न के बराबर होती है। मेरी नजर में तो नहीं पड़ा आज तक, आपकी नजर में पड़ा हो तो अलग बात है, हो सकता है मैंने नहीं देखा, अमेरिका तो किसी और ने तो देखा होगा, इस तरह वाली स्थिति। तो रोग से संबंधित प्रश्न में, रोग से संबंधित जब बात होती है, रोग से संबंधित जब ज्योतिष से हमें कोई रस निचोड़ना होता है, तो सबसे पहले ज्योतिष का जो नियम है, मारक और बाधक को समझना। बिना मारक और बाधक को समझे आप रोग का कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे, रोग के बारे में 1% भी आप कुछ नहीं बता पाएंगे किसी को। मारक और बाधक की चर्चा तो हो ही नहीं रही है, समझ लीजिए, इतनी बड़ी रोग और ज्योतिष की पोस्ट पे, रोग और ज्योतिष, वो फलाना लग्नेश छठे में है तो छठा लग्न में है कि लग्नेश षष्ठेश का योग बन गया वगैरह वगैरह, वो तो देखिए बहुत मामूली कॉम्बिनेशन है। बहुत ही कम व्यक्ति आपको जिंदगी में मिलेंगे जिनको ज्वर ना हुआ हो, सर्दी खांसी ना हुई हो या किसी तरह की तबीयत खराब ना हुई हो। ये तो बड़ा मामूली योग होता है कि बुखार हो गया, लग्नेश का षष्ठेश से योग हो गया, षष्ठेश लग्न में बैठ गया, लग्नेश षष्ठ में बैठ गया तो हो गया उसमें ये वो करके, जी नहीं। रोग के बारे में जब भी आपने सोचना है, ज्योतिष के छात्र ये बात अपने दिमाग में बैठा ले कि रोग के बारे में जब भी आपने सोचना है तो मारक और बाधक, इन दो बिंदुओं को आपने ध्यान में रखना है। वरना मारक और बाधक का रोल ही क्या है, आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं मालूम है मारक और बाधक का इस्तेमाल करना कहां पर है। बाधक का इस्तेमाल है समझ में नहीं है, बाधक को वो समझ रहे हैं कि काम में बाधा आ जाएगी, फलाने ठिकाने में बाधा आ जाएगी, विवाह में बाधा हो गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, विवाह में बाधा का कोई मतलब नहीं है बाधक का। और एक बात और, यहां विवाह की बात उठ गई तो यही बता दो, मंगल का भी विवाह में देर का कोई कारण नहीं है। वो गलत अवधारणा, गलत एक्सप्लेनेशन है जो बताई जाती है कि मंगल की वजह से आपके विवाह में देर हो रहा है, जी नहीं, गलत एक्सप्लेनेशन है, गलत व्याख्या है। मारक और बाधक, इन दो चीजों को आपको समझना होगा पहले, रोग से संबंधित अगर बात आपने समझनी है, क्योंकि मारक और बाधक का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ नहीं होगा, लग्न से कनेक्शन नहीं बनेगा या कुंडली के किसी भी ग्रह की कनेक्टिविटी मारक और बाधक से नहीं बनती है तो रोग का कोई मतलब नहीं है, बड़े रोग का कोई मतलब नहीं है। अब मारक बाधक से कनेक्शन होते हुए अगर रोग भाव से कनेक्शन बनता है तो रोग होता है, अष्टम भाव से कनेक्शन बनता है तो अष्टम भाव चूंकि डिले का भाव है तो रोग को लंबा खींचता है, यहां 6-8 का कॉम्बिनेशन बन जाना जहां तक के रोग की लॉन्गिटिविटी के लिए, रोग की लॉन्गिटिविटी के लिए खराब है। द्वादश भाव आप जानते हैं अस्पताल का भाव है, लेकिन रोग के बारे में जब भी बात करते हैं, रोग के बारे में जब भी सोचते हैं, रोग के बारे में जब भी आपके दिमाग में प्रश्न आए या कोई सोच आए या कोई आपसे पूछे, तो छठे भाव के साथ साथ आपके दिमाग में मारक और बाधक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आना होगा दिमाग में, अदरवाइज आप रोग की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। या कब जातक की तबीयत खराब होगी, कब जातक की हेल्थ प्रॉब्लम होगी आप नहीं समझ पाएंगे। वैसे मेरी एक गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद रोग संबंधी प्रश्न मुझसे कोई ना पूछना शुरू कर दे,
क्यों? क्योंकि रोग के बारे में ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता। आपकी कुंडली में अगर रोग होने का कोई योग है तो वो आपको भोगना पड़ेगा, वो आपको सह के निकलना होगा। तो रोग से संबंधित मुझसे प्रश्न ना करें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में नहीं करता और बहुत से लोग नहीं करते। ये मेरे विचार से ये गलत दिशा है। ये तो सिर्फ फेयर एंड लवली की तरह चेहरा चमकाने के लिए कई लोग बहुत कुछ करने लगे आजकल, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं बोल देता हूँ। मैं ज्योतिष के छात्रों के लिए बता रहा हूँ कि रोग से संबंधित जब भी बात हो, रोग से संबंधित जब भी आपने सोचना है तो आपने मारक और बाधक के बारे में सोचना है। आप जानते हैं मारक दिति और सप्तम और बाधक कुंडली के अनुसार चर लगन में एकादश, स्थिर लगन में नवम भाव और दिस भाव लगन में सप्तम भाव बाधक होता है। तो ये कॉम्बिनेशन को आपने ख्याल में रखना है। बिना मारक बाधक के आपका एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज, रोग एंड ज्योतिष के बड़े बड़े लंबे लंबे कॉलम और बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें किसी काम की नहीं है। वो बेकार है, पढ़ के आंखें की चश्मा और मोटा हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। और आजकल तो ऐसा लगता है जैसे कोई चल रहा है, जैसे कि फॉग चल रहा है। तो चल रहा है, रिसर्च चल रही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, जाने दीजिए, खुश रहिए। सुनेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं सुनेंगे तो आपकी मर्जी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।